कुम दोस्तों मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया दो गलतियां कभी भी नहीं करना ये दो गलतियां मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए जो भी इंसान ये दो गलतियां करता है दो काम करता है तो वो इंसान गरीब और नाकाम होता जाता है इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे नब्बी करीम हुजूर हज़ूर अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलत और बरकतें तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ज़रूर दबा दें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलतें और बरक़तें इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया दो काम ऐसे हैं जिनको करने से इंसान नाकाम होता जाता है और गरीब बन जाता है शादीशुदा लोगों के लिए ये फरमान बहुत ही अहम है तो आप इसे आखिर तक ज़रूर सुने एक दिन नब्बी करीम हजूर अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जहर की नमाज का बजू बना रहे थे इतने में एक प्यारे सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रोते हुए आए हमारे नबी ने फ़रमाया अ सलमान रोते क्यों हो तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने फ़रमाया अ मेरे नबी अय मेरे आका मेरा एक जवान बेटा है जो बहुत बीमार है मुझे डर है कि मैं नमाज़ पढ़कर कहीं घर जाऊं और कहीं मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा ना हो जाए इसलिए मैं रो रहा हूं हज़रत सलमान फ़ारसी की बात सुनकर नब्बी करीम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ सलमान एक पानी का भरा हुआ प्याला लेकर आओ अब आयतल कुर्सी मैं भी पढ़ता हूँ और तुम भी पढ़ो फिर इस पानी में फूंक मारो लिहाजा इस पानी में फूंक मारने के बाद नबी करीम हुजूर तआला अलैहि वसल्लम ने वो प्याला हजरत सलमान फारसी को देते हुए फरमाया सलमान घर जाओ और ये पानी अपने बेटे को पिला दो हज़रत सलमान फारसी घर गए और बाहर से ही पानी का प्याला घर वालों को देकर नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र में वापस मस्जिद नब आए उनकी फ़िक्र ये थी कि कहीं मेरी नमाज छूट ना जाए नमाज के बाद हमारे प्यारे नबी ने जैसे ही सलाम फेरा अभी दुआ पढ़नी बाकी थी कि हज़रत सलमान फारसी अपने बेटे की फ़िक्र में खड़े होकर जाने लगे कुछ कदम आगे चलने के बाद हजरत सलमान फारसी के कदम वहीं रुक गए उन्होंने देखा कि आखिरी सफ़ में उनका बेटा भी नमाज़ पढ़ रहा था हमारे नबी ने हज़रत सलमान फ़ारसी की तरफ़ देखा और मुस्कुराने लगे हज़रत सलमान फ़ारसी की आँखों में आँसू आ गए नब्बी करीम हुजूर सल्लल्लाहु हज़ूर अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सलमान क्या तू ये समझाता कि तेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा दुनिया की सारी दवाएं जहां काम करना बंद कर देती हैं वहीं से तो आयतल कुर्सी अपना काम शुरू करती है मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी एस सलमान तू ने आयतल कुर्सी पढ़ी और क़यामत तक आने वाले मेरे जो भी उम्मती हैं पानी पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करेगा और उस पानी को पिएगा इन शाह अल्लाह उसे फ़ौर शिफाता करेगा आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलतें और बरकतें नंबर एक घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो सत्तर हज़ार फरिश्ते हर तरफ़ से आपकी हिफाजत करेंगे नंबर दो घर में दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो घर से मोहताजी दूर होगी नंबर तीन बजू के बाद पढ़ोगे तो सत्तर दर्जे बुलंद होंगे नंबर चार रात को सोते वक्त तीन बार पढ़ोगे तो सारी रात अल्लाह की हिफाजत में रहोगे और नंबर पाँच अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो मरने के बाद एक पैर ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा अल्लाह तो दोस्तों जैसा कि आपने सुन लिया है कि आयतल कुर्सी की कितनी फज़ीलतें और बरकतें हैं और जैसा कि आप मेरे हाथ में ये कटोरी देख रही हैं लेकिन आप इसे बिल्कुल भी मामूली चीज़ ना समझें ये आयतल कुर्सी वाली कटोरी है इसकी बहुत ही फजीलतें और बरकतें हैं इसका पानी पीने वाले इंसान हर तरीके की बीमारी से महफूज़ रहेंगे किसी भी किस्म की आपकी बीमारी होगी लाइलाज बीमारी होगी इसका पानी पी लें इनशाला आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी अगर चेहरा खूबसूरत करना चाहता है तो इसका पानी थोड़ा सा पिए और अपने चेहरे पर भी लगाए इन आप खुद फ़र्क देखेंगे नज़र बद जादू टोने वाले लोग इसका पानी पी लें इन नज़र जादू टोना असर नहीं करेगा अगर कोई काला जादू करा रहा है तो इसका पानी रोज़ सुबह शाम पिए इन किसी भी किस्म का कोई जादू करा दे असर नहीं करेगा इसकी और भी बहुत सी फज़ीलतें और बरकतें हैं हम इसको आपके घर तक पहुंचा देंगे दूसरा आप मेरे हाथ में नक्श देख रही हैं ये नक्श इतना पावरफुल नक्श है जैसा कि आप देख रही हैं कि इस पर कितने नक्श वगैरह लिखे हुए हैं आपके घर में कोई भी आफत होगी बला होगी रिस्क में तंगी है बड़ी से बड़ी परेशानी हो कारोबार में तरक्की ना होती हो घर में आपके कोई भी परेशानी हो किसी ने जादू टोना करा दिया है किसी ने आपके घर के ऊपर बंदिश करा दी है पूरा घर परेशान है आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर काला जादू करा दिया गया है आपके माल दौलत में बरकत नहीं है कमाते बहुत हैं लेकिन घर में पैसा नहीं रुकता है तो मेरे दोस्तों भाई और बहनों इस नक्श को एक बार अपने घर में ज़रूर लगा कर देख लें इन जितनी भी आपकी परेशानी होंगी अल्लाह पाक के क्रम से इस नक्श को आप अपने घर में लगाने लगा लें घर से आपके सभी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी तीसरा हमारे पास तोहफाई नूरी है और इसमें इक्कीस पावरफुल नक्श लिखे हुए हैं अगर आप इसे अपने पास रखते हैं तो आपकी हर तरफ से हिफाज़त होगी नज़रबाज जादू टोना असर नहीं करेगा अगर आप इसे अपने पैसों में रख देते हैं तो आपके मालो दौलत पैसे में बरकत होगी चौथी हमारे पास ये मालूम ख़ज़ाना है इसमें छोटी छोटी दुआएं खाने पीने उठने बैठने लेटने सोने तमाम दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं इलाज लिखे हुए हैं औरतों के बारे में मालूम है और भी बहुत ख़जाना मौजूद है ये हिंदी उर्दू दोनों जबानों में हमारे पास मिल जाएगी और इसके बाद कमरे के दरवाज़े पर या फिर कार वग़ैरह में गाड़ी वगैरह में लटकाने के लिए हमारे पास ये लॉकेट है और इसके साथ साथ तावीज़ भी है इसको पहनने से आपका हर जायज़ मकसद पूरा होगा आपको हर काम में फ़ायदा मिलेगा आप इसे अपने गले में ताबीज़ बनाकर पहन सकते हैं अगर आप इस पूरे सेट को लेना चाहते हैं तो ये पूरा सेट आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पर कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक कर लें आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ये सारा सामान आपके घर में सिर्फ आठ सौ रुपये में पहुंचाया जा रहा है ये पैसे आपको उस वक्त देने होंगे जब ये सारा सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा उससे पहले आपको कुछ भी नहीं देना है सामान बहुत कम बचा है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो जल्दी फ़ोन करें और अपना ऑर्डर बुक कर लें दोस्तों अब हम आपको बताते हैं दो गलतियों के बारे में हजरत अली ने फरमाया कि जो इंसान भी ये दो गलतियां करता है तो वो नाकाम हो जाता है और वो कभी भी अमीर नहीं हो सकता एक बार हजरत अली अल्लाह के बंदों को अल्लाह का दीन समझा रहे थे इतने में आप फरमाने लगे ए लोगों दो गलतियां ऐसी हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें शामिल हो जाती हैं और उससे मिलने वाली दौलत शहरत और कामयाबी उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है इतने में किसी ने पूछा या अली वो दो गलतियाँ कौन सी हैं तो हज़रत अली ने फ़रमाया पहली गलती जो इंसान लोगों पर इल्जाम लगाता है गीबत करता है लोगों का मज़ाक उड़ाता है इंसानों को हकीर समझता है नीचा समझता है तो ये अमल अल्लाह के नज़दीक इतना बदतरीन है कि अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जो जो ऐव ये इंसानों के बयान करता है वही ऐव इसके वजूद में डाल दो और यूं वो इंसान दौलत शोहरत रिस्क से दूर होकर दुनिया के नज़दीक ऐसा हो जाता है कि लोग उसकी गीवत करने लगते हैं और दूसरी गलती ये है कि जो मर्द अपनी औरतों पर जुल्म करता है उनके हक पूरे नहीं करता बार बार अपनी बीवी की तजलील करता है उसे बेइज्जत करता है तो ये अमल अल्लाह के नज़दीक इतना बदतरीन है कि अल्लाह उस इंसान की ज़िंदगी में जो दौलत और इज़्ज़त उसे मिलने वाली होती है उसे कम कर देता है और यूँ वो इंसान काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अपनी मंजिल नहीं पाता याद रखना अगर ज़िंदगी में दौलत शोहरत मुकाम और इज़्ज़त हासिल करना चाहते हो तो इन दो गलतियों को कभी ना करना अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी सवार देगा